हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि एमएच का मतलब क्या होता है। हम जब भी मोबाइल खोल कर देखते हैं उसकी बैटरी के ऊपर एमएच लिखा रहता है कि ये बैटरी एमएच की बैटरी है, या दूसरे के मुंह से ये बात सुनने को मिलती है कि मेरा फ़ोन इतने एमएच की बैटरी है, मेरा फ़ोन इतनी देर चलता है, 5000 एमएच की बैटरी है। तो ये एमएच का मतलब क्या होता है? हम जब भी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो कितने एम एच का बिल है, कितने एम एच का फ़ोन है और कितना हमें बैटरी बैकअप दे सकता है। तो इस एम एच का फॉर्म क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। एम ए एच इसका फॉर्म होता है मिली एम्पियर आर्स। मिली एम्पियर आर्स का मतलब है कि मिली एम्पियर्स ये एक करंट की यूनिट होती है और आर्स का मतलब घंटा, मतलब एक घंटे में कितने एम्पियर्स आपको बैटरी बैकअप दे रहा है। एमएच यही बताता है कि आपका फोन आपका कितना साथ देगा, कितनी देर तक, या उसे वो कितना देर तक चलने वाला है। आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको कितना बैटरी बैकअप देगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 4000 एमएच की बैटरी है एक फ़ोन की, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको उसके फ़ोन की बैटरी में 4000 एमएच की करंट का क्षमता है और वो आपको इतने घंटे चल जाएगा। जैसे कि 4000 एमएच की बैटरी है और फ़ोन का यूज़, तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन आसानी से 8 घंटे आसानी से चल जाएगा। तो मतलब जितना जितना एमएच होता है उसका मतलब उतने घंटे वो फ़ोन चलता है, यानी ज़्यादा एमएच और ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको मिल सकता है। ऐसे ही आजकल ऐसे बढ़ते बढ़ते 5 और 6 7 हज़ार एम एच की बैटरी के फ़ोन आने लगे हैं। पहले ज़माने में 500 700 1000 2000 एम एच की बैटरी के फ़ोन आते थे जो कम बिजली खाते थे। आज का प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा लोग इस पर समय बिताते हैं, वजह से उसका बैटरी बैकअप बढ़ाना पड़ रहा है। इस वजह से बैटरी इतनी बड़ी आने लगी है और वो आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप दे रहे हैं। यही बैटरी बैकअप सभी डिवाइसेस पे लागू होता है कि ये बैटरी बैकअप इस डिवाइस को इतना बैटरी बैकअप बैटरी बैकअप देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।